भूख से यहाँ कुत्ता रोता है तो लोग कहते हैं अब शगुन होता है, खिला दो यार खाना उसको, उसके यहाँ कोई नहीं आता है खाना, उन गरीब उन जानवरों को नहीं पता है ना खाना के लिए पैसा लगता है, उनको पता चल जाता तो वो भी कमा लेते सर। फिर किसी के माता पिता की देहांत हो जाती है, 10 दिन तक लोग आएंगे, अरे हम है ना कुछ नहीं होगा, हम है ना कुछ नहीं होगा, अरे 13 ही तक के बाद लोग अपना शक्ल दिखा देते हैं, 10 दिन 1 महीना बीतने के बाद लोग दिखा देते हैं। अगर कोई महिला है उसके मान के चलिए पहले तो विवाह 25-30 साल के आसपास में एज में उसकी पति की मृत्यु होगी, अब वो विधवा हो गई, अब समाज का एक हिस्सा जो है ना इस बात से खिलाफ है कि वो दूसरी शादी ना करे, मान के चलिए कि समाज के ऐसे लोगों को ध्यान में रख के वो महिला दूसरी शादी नहीं करती है, अब वो ऐसे ही रहती है, अब इसी समाज में ऐसे लोग हैं ना ओकरा ताना मारेंगे, अब बताइए उसके पति नहीं है, बाल बच्चे को पालन करने के लिए कुछ काम करना होगा, उस समय इंजीनियरिंग मेडिकल अब कौन ऐसा तो व्यवस्था नहीं, कोई किसी घर में काम करेगी तो 4 गो लाल छन लगाएगा उसके ऊपर, यार ये गो उसको तुम दूसरा ब्याह ना करने दिया, कर लेगी तो भी गलती, नहीं की तो भी गलती, यार ये देश ऐसा है जिस पे सीता माँ के ऊपर लाल छन लगा दिया था, यार हम लोग की क्या औकात है, आप समझ रहे हैं, मतलब आप सोचिए आप भगवान को नहीं छोड़ा इस देश में। अच्छा उन लोग जब लौटे थे वनवास काट के लंका में, उतना बवाल लड़ाई उड़ाई नाद के, इसी उम्मीद में कि अब घर जाएंगे, इतना साल से घर से बाहर है, हाँ अब जाएंगे अपने परिवार में अपने गांव अपना शहर जहाँ पे अब हमको वापस जीवन जीना पड़ेगा, ऐसा ना नाधा साहब कि भूमि समाधि ले ली, जल समाधि सरयू नदी में, राम जी पूरी परिवार चले गए जमीन में, तो आप समझ रहे हैं भारत की मेंटेलिटी, तो ये बड़ा अजीब स्थिति आ जाती है। हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी की पिता की, भगवान न करे किसी के सर से पिता का साया जाए, माता पिता बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर किसी के माता पिता की देहांत हो जाती है ना, 10 दिन तक लोग आएंगे, अरे हम है ना कुछ नहीं होगा, हम है ना कुछ नहीं होगा, अरे 13 ही तक के बाद लोग अपना शक्ल दिखा देते हैं, 10 दिन 1 महीना बीतने के बाद लोग दिखा देते हैं आपको, तो बी स्ट्रांग इन इंडिया, समझा गया कि नहीं आ गया यहाँ पर, समझा गया कि नहीं। अब बताइए वो विधवा पुनर्विवाह, अच्छा उसके बाद ऐसा ही समस्या नहीं ना, एक विधवा को पास बड़ा रूढ़िवाद माना जाता है, जब राजा राम मोहन राय थे तो उस समय विधवा के अगर सुबह सुबह विधवा के ऊपर नजर पड़ जाती थी लोग कहते थे दिन खराब हो गया, अशुभ हो गया, अजब हाल है यार, भूख से यहाँ कुत्ता रोता है तो लोग कहते हैं अब शगुन हो रहा है, खिला दो यार खाना उसको, उसके यहाँ कोई नहीं आता है खाना, उन गरीब उन जानवरों को नहीं पता है ना खाना के लिए पैसा लगता है, उनको पता चल जाता तो वो भी कमा लेते सब, सही बताते हैं उन बहुत खुददार होते हैं जानवर, आप गौर कीजिएगा, मान के चलिए आपके यहाँ से गाय जा रही है ना, एक दुकानदार अगर मार के भगा देगा और दूसरा दुकानदार उसको खाना देगा ना, 2-4 दिन बाद गाय उस दुकान वहाँ पे नहीं रुकेगी, वो जहाँ खाना देता है वहाँ रुक के चल गएगी खा के, यहाँ पे वो लोग के अंदर भी मानवता होती है, यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होता है हम जैसे लोगों को, मतलब इंडिया में आप गौर कीजिएगा, सबको संभालना है यहाँ पर, समझा गया कि नहीं आ गया।